क्लास 6 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इस प्रश्न में देखिए हमारे पास ये सम है 297 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इस रकम में बच्चों अब ध्यान से सबसे पहला जो काम हमें करना होता है वो ये है कि हमें इसमें से दो अलग अलग पदों को अलग करना है। कैसे? देखिए कि ये 297 गुना 17 ये आपस में बॉड मास के हिसाब से गुना पहले होंगे, ऐसे ये गुना पहले होंगे प्लस बाद में होगा। इसका मतलब यदि हमें इसके पेयर बनाने हो तो ये एक अलग का पेयर बन जाएगा और ये एक अलग पेयर बन जाएगा। ये आपको सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में यही करना है कि अलग पेयर बनाने हैं। 297 गुना 17 प्लस 297 गुना 3। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर है 297 ये इस ब्रैकेट में भी है और ये इस ब्रैकेट में भी है, तो हम इस 297 नंबर को कॉमन ले लेंगे। बच्चों याद रखना ये जो कॉमन लेने वाला काम है आप अब से लेकर 10वीं कक्षा तक करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी एक नंबर यहां भी गुना हो रहा है और वही नंबर यहां भी गुना हो रहा है, देखो 17 के साथ भी 297 गुना हो रहा है और 3 के साथ भी 297 गुना हो रहा है और इनके बीच में होगा प्लस या माइनस, कुछ भी हो सकता है। यहां भी 297 है, यहां भी 297 है, तो हम क्या कहते हैं 297 को कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब कि ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, गुना हो रही है। देखो 297 गुना हो रहा था, 297 गुना हो रहा था। अब आप ध्यान से देखें इस पहली ब्रैकेट में से 297 गुना 17 में से 297 बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया है 17। बीच में प्लस का निशान है तो यहां आएगा प्लस, यदि यहां माइनस होता तो यहां आ जाता माइनस। अब इसके बाद क्या है? यह है 297 गुना 3, इसमें से 297 तो बाहर जा चुका है, ये बच्चे दोबारा यहां 297 नहीं लिखना, ये 297 हम कॉमन ले चुके, कॉमन मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये 297 तो बाहर जा चुका है तो बाकी क्या बच गया 3। ये गुना तो है पहली बाहर जा चुकी है तो प्लस यहां से आया और 3 यहां से आया। दोबारा देख लो बच्चों 297 गुना 17 प्लस 297 गुना 3, ये 297 यहां भी गुना हो रहा है यहां भी हो रहा है, तो 297 को हमने ले लिया कॉमन, यहां से बच गया 17, बीच में प्लस का निशान था तो प्लस, यहां से बचा 3। अब हम इसको हल करेंगे, देखो कैसे। यह है 297 गुना 17 में 3 को प्लस कर दिया 20, अब ये 297 इस 20 से गुना हो जाएगा। तो देखिए 297 को 20 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, ये एक जीरो तो पीछे लगा दो, बाकी बच गया है ये दो, दो को सात से गुना किया, दो सात चौदह हासिल आया एक, दो नौ अठारह और एक उन्नीस हासिल आया एक, दो दूनी चार और एक पांच, तो ये आ गया 5940। देखा आपने बच्चों, बिना असल में कोई गुना किए हम बड़े आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जितना ये बार बार यहां गुना करनी पड़नी थी सिर्फ थोड़ी सी अरेंजमेंट से हमने इसको हल कर दिया। आइए एक और ऐसा ही भाग हम देखते हैं, इसका बी भाग है 54279 गुना 92 प्लस 8 गुना 54279। अब सबसे पहला काम बच्चों क्या बताया था ऊपर, सबसे पहला काम बनाया था जोड़े बनाना। देखो ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं तो ये एक जोड़ा हो गया, एक पेयर हो गया, ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं तो ये एक और पेयर हो गया। पेयर कैसे हो गया? बॉड मास के हिसाब से ये गुना पहले होती है प्लस बाद में होती है, इसलिए हमने गुना के हिसाब से पेयर बना लिए। अब क्या देखना है, अब ये देखने की क्या इनमें कुछ कॉमन आ सकता है। देखो ये है 54279, यहां भी है 54279 गुना हो रहा है, गुना ये पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं, देखो यहां पहले लिखा है यहां बाद में लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुना हो रहे हैं तो ये 54279 को हम कॉमन ले लेंगे। बच्चों क्या ले लेंगे? बच्चों कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद देखिए ये पहली वाली ब्रैकेट है, बाद वाली ब्रैकेट को भी भूल जाइए, ये पहली वाली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में से 54279 गुना बाहर आ गया था, बाकी क्या बच गया बच्चों 92, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस डाल देंगे। अब ये देखो इसमें से देखेंगे तो 54279 यहां कॉमन आ चुका है, 54279 यहां कॉमन आ चुका है, बाकी क्या बच गया इन दोनों में से, 54279 बाहर चल गया तो बाकी बच गया 8। अब हम इसको हल करेंगे, 54279 गुना 92 में 8 प्लस कर दिए तो आ गया 100। अब इसको तो गुना करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है जब इस किसी भी नंबर को 10 से 100 से 1000 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं,
वो नंबर ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं, जितने यहां जीरो हैं उतने उसके पीछे जीरो, यहां दो जीरो है तो इसके पीछे दो जीरो लग जाएंगे, यही इसका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये हमने निकाल दी है। इसी का बेटो सी पार्ट आप खुद से कीजिएगा ट्राई, डी भाग में आपको करवाने जा रहा हूं, बाकी भाग आप इसके खुद से ट्राई करना। ध्यान से देखना बच्चों, यह है 3845 गुना 5 गुना 782 प्लस 769 गुना 25 गुना 18। तो देखिए गुना गुना ये तीन नंबरों में गुना हो रही है, एक दो तीन, तीन नंबरों में आपस में गुना का ही निशान है, तो बॉड मास के हिसाब से गुना पहले होंगे। ऐसे यहां तीन नंबरों के बीच में गुना हो रही है तो ये एक और जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों के बीच में है प्लस, तो बॉड मास के हिसाब से पहले गुना होंगे फिर प्लस होंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अब पिछले स्टेप में हमने क्या किया था, पिछले स्टेप में हमने देखा था कि यहां से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, लेकिन ये है 3845, ये है 5, ये है 782, ये है 769, ये है 25, ये है 218, इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 2 और 8 मिलकर 0 बन जाएगा, तो ये 82 और 18 मिलकर 100, इसका मतलब इसको और इसको प्लस करके कहीं ना कहीं 00 वाली जो रकम है वो आ सकती है, लेकिन कॉमन तो फिर भी कुछ नहीं आया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को गुना करके देखा, देखो ये जो रकमें हैं 3845 को 5 से, ये 3845 को जब मैंने 5 से गुना किया तो मेरे पास आया 19225। ऐसे यहां से मैंने 769 गुना 25 को जब गुना किया तो ये भी आ गया 19225। देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं 19225। तो आइए पहले हम इसी को हल कर लेते हैं। क्या किया बेटो, बहुत आसान है, 3845 को 5 से गुना किया तो ये आ गया 19225 गुना ये है 782 प्लस, यहां से 769 को 25 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 19225 गुना, बाकी बच गया है 218, ठीक है बच्चों। अब हम जैसे पहले करते थे वैसे कर सकते हैं, यहां भी 19225 कॉमन है, यहां भी 19225 कॉमन है, तो 19225 को हम कॉमन ले लेंगे, ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट खुली भी है बंद भी है, पहले वाले पेयर में से 19225 बाहर चला गया तो बाकी रह गया 782, बीच में प्लस का निशान था तो प्लस, अगर माइनस होता बेटा तो माइनस लगा देना, 19225 बाहर जा चुका तो बाकी रह गया 218। अब हम इनको प्लस करके देखते हैं, ब्रैकेट ये 19225 तो ऐसे ही लिखा गया, गुना भी ऐसे ही आ गया, इसको प्लस कर देते हैं, 2 और 8 10 हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल आया 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, 19225 को 1000 से गुना करना है तो हमने सीखा था जो नंबर है उसको ऐसे ही लिख दो, उसके बाद देखो 1000 से गुना करना है तो तीन जीरो है, इसके पीछे तीन जीरो लगा दो। तो इस प्रकार से हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की तो हमारा ये जो काम है वो आसान हो गया। इस प्रश्न के बाकी भाग आप खुद ट्राई कीजिएगा।